अस्सलाम वालेकुम, सीटीपी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप किसी सोसाइटी को कंसीडर कर रहे होते हैं तो बहुत से मेजर फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको फ्रॉम द डे वन माइंड में रखना पड़ता है। वो फैक्टर्स जो हैं वो इस तरह से हो सकते हैं कि अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अपना पैसा जो है अपनी सरमायाकारी करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितने टाइम में हो सकता है और किन रीजंस की वजह से हो सकता है। अगर आपको इन तमाम चीज़ों के जवाब मिल जाएं तो आप डेफिनेटली उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंसीडर भी करते हैं और उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी करते हैं। आज हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे बहरिया टाउन लाहौर की। बहरिया टाउन लाहौर को जब हम कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब तो हमें बहुत ही आइडियल ऑप्शन नज़र आती है, लेकिन जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो तब हमें आइडिया होता है कि बहरिया टाउन लाहौर में सरमायाकारी के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं हैं। नो डाउट बहरिया टाउन लाहौर एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, बड़ी आइडियल ऑप्शन है, लेकिन आपने अक्सर ये कंसल्टेंट्स को डीलर्स को ये चीज़ कहते हुए सुनी होगी कि बहरिया टाउन लाहौर एक मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। बहरिया टाउन का जो काफ़ी ज़्यादा एरिया है वो ऑलरेडी मैच्योर्ड है और इसमें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इसलिए मौजूद नहीं है कि यहाँ पर रेट्स बहुत हाई जा चुके हैं। थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन वाली साइड को एक्सप्लेन करूँगा और फिर अपने टॉपिक पर दोबारा आऊँगा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहरिया टाउन लाहौर में कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले बहरिया टाउन लाहौर में कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो क्यों इसको एक आइडियल सोसाइटी समझा जाता है और क्यों कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं और बेहतर ऑप्शंस हैं, उसकी वजह यह है कि बहरिया टाउन एक काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डिवेलप्ड सोसाइटी है। कैनाल रोड या इसकी सराउंडिंग में या ओवरऑल लाहौर में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ आपको बहरिया के मुकाबले में नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहरिया का लाइफस्टाइल, बहरिया की खूबसूरत रोड्स, बहरिया के कंस्ट्रक्शन लेवल, बहरिया के खूबसूरत पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, बेकरीज, रेस्टोरेंट्स और तफरीही मुकामात, ईच एंड एवरीथिंग, ज़बरदस्त किस्म के शॉपिंग मॉल्स, इस तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है कि आपको अगर आप यहाँ पर घर बनाते हैं तो आपको ईच एंड एवरी फैसिलिटी नियर बाय मिलती है। और टाइम के साथ साथ इस तरह के ब्रांड्स में वो रेस्टोरेंट्स हों, वो डिफरेंट तरह के कपड़ों के ब्रांड्स हों, शू ब्रांड्स हों, शॉपिंग मॉल्स हों, कोई भी मतलब ज़बरदस्त ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको नियर बाय मिलती हैं। यही वजह है कि जब इतनी ज़्यादा सहूलियात, इतनी ज़्यादा आसानी, इतना ज़्यादा बेहतरीन किस्म का एनवायरनमेंट आपको किसी सोसाइटी में मिल रहा हो तो वहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं, और जब रेट्स ऑलरेडी हाई चले जाते हैं तो इस तरह की ऑप्शन को मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, या इस ऐसी इन्वेस्टमेंट को, इस तरह की प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, आप इसको रेजिडेंस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए एक बेहतर ऑप्शन कह सकते हैं। और यही सिचुएशन बहरिया टाउन लाहौर में 70-80% एरिया में मौजूद है कि तमाम फैसिलिटीज़ आपको रेडी मिलती हैं और बहुत ज़्यादा गेन आने के या फ्यूचर में इंक्रीज़ होने के चांसेस रिलेटिवली इतने ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि ये मैच्योर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरमायाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टिल बहरिया टाउन लाहौर में कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है लेकिन आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। क्यों लॉजिकली उनको देखना चाहिए, क्या रीज़न्स हैं कि बहरिया टाउन लाहौर का एक ऐसा एरिया जिसके बारे में डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में 5 मरला 10 मरला एक कनाल के प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको रिकमेंड करेंगे, उसके बिहाइंड लॉजिकल रीजंस क्या हैं, उसमें आने वाले टाइम पे क्या फोरकास्ट है कि उसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि वहाँ पर रेट्स बढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करना चाहिए। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली आपको बहरिया टाउन लाहौर में सरमायाकारी के ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि वो एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ रेडी होती हैं वहाँ पर रेट्स ऑलरेडी हाई होते हैं। इसकी एग्जांपल 5 मरला प्लॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो बहरिया टाउन लाहौर के एक सेक्टर को कंसिडर करते हैं, बहरिया टाउन लाहौर का सेक्टर डी। सेक्टर डी में इस वक्त 5 मरला प्लॉट्स की प्राइस जो है वो 1 करोड़ 10 प्लस माइनस एज पर लोकेशन 5 मरला प्लॉट्स की प्राइसेस ऑलरेडी जा चुकी हैं। उसकी वजह वही है जो मैंने स्टार्ट में बताई, वहाँ पर मैकडोनल्ड रेडी है, वहाँ पर क्रिकेट एकेडमी बड़ी ज़बरदस्त है, वहाँ पर रेनबो है, कमर्शियल मार्केट्स, बेशुमार कंस्ट्रक्शन, कैनाल रोड के साथ ज़बरदस्त अप्रोच और कमाल का लाइफस्टाइल, इस वजह से वहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हुए हैं। अगर बहरिया टाउन लाहौर में 5 मरला प्लॉट आपको 1-10, 1-15 या इसके प्लस माइनस एक सेक्टर में मिल रहा है और इसी बहरिया टाउन लाहौर में आपको 5 मरला का प्लॉट सेक्टर एफ में अगर आप कंसीडर करें तो 55-60 या 52-3 के राउंड अबाउट अगर 5 मरला ऑप्शन मिलती है तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट हाफ वे डिफरेंस है। मतलब सेम सोसाइटी,
सेम डेवलपर, सेम लाइफस्टाइल, लेकिन एक सेक्टर जहां पर इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो चुकी है, जहां पर तमाम फैसिलिटीज रेडी हैं, वहां पर आपको 5 मरला प्लॉट 1 करोड़ 10 लाख के राउंड अबाउट मिलता है। जहां पर अगर आप कंसीडर करते हैं तो आलमगीर एक्सटेंशन में और टीपू एक्सटेंशन ब्लॉक में 55, 58, 60 लाख के राउंड अबाउट आपको 5 मरला के प्लॉट्स मिल जाते हैं। मीन्स के डिवेलप्ड ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में आपको हाफ वे डिफरेंस मिलता है स्टेइंग इन दिस सेम सोसाइटी। इस वजह से आप कह सकते हैं कि मतलब ये एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट है। अगर वहाँ पर रेट 1 करोड़ को टच कर सकते हैं तो क्या यहाँ पर 20, 25, 30, 35, 40 लाख रेट्स में इजाफा नहीं होगा क्या? अगर हम कह लेते हैं कि चलें ये मतलब इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सेक्टर डी को कभी क्रॉस करेंगे रेट, लेकिन क्या ये रेट्स उनके नियर बाय नहीं आएंगे जब यहाँ पर मज़ीद कंस्ट्रक्शन होगी, जब यहाँ पर सेक्टर डी के रेट्स में मज़ीद इजाफे की वजह से डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादातर लोगों की रेंज में ये एरियाज़, ये ब्लॉक्स आ रहे होंगे। तो 5 मरला के ऑप्शंस की बात करें तो ये 2 ब्लॉक्स आलमगीर एक्सटेंशन और टीपू सुल्तान एक्सटेंशन जो है इनको आप कंसीडर कर सकते हैं। टीपू एक्सटेंशन में कंस्ट्रक्शन भी है, आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के अलावा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ब्लॉक ऑन ग्राउंड और डिवेलप ब्लॉक है। 5 मरला के बाद अगर हम मूव करते हैं 10 मरला प्लॉट्स की तरफ तो आपको 10 मरला की जो ऑप्शंस मिलती हैं रीजनेबल 90, 95, 1 करोड़ के राउंड अबाउट, तो वो आपको गाजी ब्लॉक में मिलते हैं डिवेलप्ड ऑन ग्राउंड प्लॉट्स, या आपको आलमगीर जो ब्लॉक है वहाँ पर कुछ 10 मरला की ऑप्शंस मिलती हैं। और इसका कंपैरिजन, ये 10 मरला इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों रिकमेंडेड है, उसका कंपैरिजन अगर हम बैरियर टाउन के फुली डेवलप्ड एरिया लाइक सेक्टर सी, जैस्मिन ब्लॉक, शाहीन ब्लॉक से करते हैं तो वहाँ पर 10 मरला प्लॉट्स की वैल्यू इस वक्त 2 करोड़ के प्लस माइनस में भी जा चुकी है। अगेन 10 मरला की प्राइसेस एक सेक्टर में 1 करोड़ और दूसरे सेक्टर में जो फुली डेवलप्ड है 2 करोड़, ऑलमोस्ट हाफ वे डिफरेंस, ऑलमोस्ट डबल, सेम प्लॉट साइज, सेम सोसाइटी बट डिफरेंट सेक्टर्स। फ़र्क क्या है, वो डेवलप्ड है, वहाँ पर मार्केट्स रेडी हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पर 10 मरला आपको ऑलमोस्ट हाफ वे प्राइस पे मिलता है। तो 10 मरला के प्लॉट्स के लिए आप इन 2 ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको मज़ीद भी रीजंस ऐड करके बताऊँगा कि यहाँ पर रेट्स क्यों इसके करीब करीब जाएंगे या क्यों इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है जो 5 मरला या 10 मरला या 1 कनाल की ऑप्शंस हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। लास्ट में अगर 1 कनाल प्लॉट की बात करें, 1 कनाल वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए तो काफ़ी बड़ा साइज समझा जाता है, लेकिन स्टिल एक अच्छी सोसाइटी में एक रीजनेबल, एक ज़बरदस्त किस्म का प्लॉट साइज़ है 1 कनाल, तो उसमें भी रेट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है और उसको भी इन्वेस्टमेंट के लिए किसी हद तक कंसिडर किया जा सकता है। नॉर्मली हमारी रिकमेंडेशन छोटे प्लॉट साइज़ पे रहती है, 5 मरला या 10 मरला, जो इजीली जिसकी लिक्विडिटी होती है, जिसकी रीसेल होती है और जिसमें गेन भी होता है, लेकिन स्टिल बाज़ ऑप्शंस 1 कनाल में भी ऐसी हैं जिनको कंसीडर किया जा सकता है। 1 कनाल की अगर बात करें तो गजनवी एक्सटेंशन सेक्टर एफ का ब्लॉक, जहां पर 1 करोड़ 80 लाख, 1.85, 1.90 के राउंड अबाउट आपको 1 कनाल के प्लॉट जो हैं वो मिलते हैं। 1 कनाल के प्लॉट्स का कंपैरिजन सेम सोसाइटी बट डिफरेंट सेक्टर्स, सेक्टर सी की अगर बात करें तो वहाँ पे आप देखें आपको बहुत ज़्यादा प्राइसेस मिलती हैं, 3.25 करोड़ के प्लस माइनस में भी आपको 1 कनाल के प्लॉट्स मिल रहे होते हैं, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फ़र्क अगेन वही, फुली डेवलप्ड और मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट और ये वाली इन्वेस्टमेंट जहाँ पर अभी मतलब अप्रोच वगैरह अच्छी है, इसके करीब तरीन आपको गजनवी एक्सटेंशन के स्कूल मिलता है, सिनेमा मिलता है, स्वी गैस फेस 2 जो है वहाँ से आपको बड़ी अच्छी अप्रोच मिलती है इसको अप्रोच करने की। इसके अलावा कैनाल रोड तक इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की वो ऑप्शंस हैं जो बहरिया टाउन लाहौर में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंसीडर कर सकते हैं और इसमें गेन आ सकता है। क्यों आ सकता है, सेम सोसाइटी में आपको हमने ड्यू टू डिफरेंस ऑफ फैसिलिटीज़ प्राइसेस का फ़र्क बताया। 1 से 2 रीजंस मैं और ऐड करना चाहूँगा और फिर अपनी वीडियो को वाइंड अप करूँगा। आप अगर देखें कि इसमें एक तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं वो रीजंस ना भी ऐड करूँ तो सिर्फ हम पॉपुलेशन और कमर्शियल एक्टिविटी, कमर्शियल मार्केट्स के बहाल होने को ही देखें, उनमें ऑपरेशनल होने को ही देखें तो यहाँ पर गेन आ सकता है। लेकिन 2 बोनस रीजंस आप जिनको कह सकते हैं, उनमें से एक बड़ी रीजन शाहकाम चौक फ्लाईओवर का कंप्लीशन है। जैसे ये कंप्लीट होता है स्ट्रॉन्गली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइसेस में गेन आएगा और वह बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मई या मैक्सिमम आप कह लें जून के राउंड अबाउट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शाहकाम चौक फ्लाईओवर कंप्लीट होगा। एक तो ये बहुत बड़ी रीज़न है, जो शाहकाम से आगे आने वाली सोसाइटीज़ वो बहरिया टाउन लाहौर हो, वो सुखचैन हो, वो इसके अलावा न्यू लाहौर सिटी हो, जैतून सिटी हो, विक्टोरिया सिटी हो, मतलब आगे की जितनी सोसाइटीज़ हैं सब पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जब अप्रोच बेहतर होगी। लेकिन इसके साथ साथ लाहौर रिंग रोड, उसके लिए अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कब मतलब कंप्लीट होती है, टाइम टू टाइम कभी उस पर स्टे आता है, कभी उस पर काम शुरू होता है, लेकिन जब भी लाहौर रिंग रोड कंप्लीट होती है, ये 2 ऐसे मेजर रीजंस हैं, ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो अगर मतलब कंप्लीट होते हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लाहौर रिंग रोड का कंप्लीशन जो होगा वो NFC फेज 2 के करीब आएगा और ये ब्लॉक्स
जो मैंने आपको बताया, आलमगीर एक्सटेंशन हो या गजनवी एक्सटेंशन हो या टीपू सुल्तान एक्सटेंशन हो, ये रिलेटिवली उस इंटरचेंज के ज़्यादा करीब आ रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू दोज डेवलप्ड ब्लॉक्स जिनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल इस वक्त में मौजूद हैं। दूसरी चीज़, शकाम चौक जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया, शकाम चौक फ्लाईओवर जो है वो जैसे ही कंप्लीट होता है, जब हर जगह पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा तो जारी बात है इन ऑप्शंस पे, इन की प्राइसेस पे भी बहुत पॉजिटिव गेन आएगा। अगेन आप इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन ऑप्शंस को ज़रूर देखें। पाँच मरला का प्लॉट वैसे अगर आप कंसिडर करते हैं 55 से 60 लाख में, तो आपको एक बड़ी प्राइस लगती है। और जब आप उसका कंपैरिजन सेम सोसाइटी में सेक्टर डी के साथ करते हैं, जहाँ पे 1-10, 1-15 के भी 5 मरला प्लॉट्स हैं, तो आपको समझ में आती है कि यहाँ पर गेन एक्सपेक्टेड है और किन रीजन्स की वजह से एक्सपेक्टेड है। सेम सिनेरियो 10 मरला और 1 कनाल के केस में भी है। उम्मीद है आज के इन्वेस्टमेंट, आज का एनालिसिस जो है हमारा टॉपिक, वो आपको पसंद आया होगा। मज़ीद आपकी किसी तरह की रिक्वायरमेंट हो, आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने घरों की कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड या इनके अलावा किसी सोसाइटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, या हमारी जो वीडियो है इस एनालिसिस से आप एग्री या डिसएग्री करते हैं, तो ये चीज़ें आप हमें कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हैं वो दिए गए हैं स्क्रीन पर, आप इन पर भी रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो, आज का एनालिसिस जो है वो आपको पसंद आया होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।